राधे राधे। आप सभी का शर्मा जी की कहानी चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बेटा विक्रमी संवत 2078 13 अप्रैल 2021 से प्रारंभ होने जा रहा है। इस संवत्सर का नाम है राक्षस और इस संवत्सर में मंत्री और राजा दोनों ही पद मंगल ग्रह को प्राप्त हैं। मंगल ग्रह क्रूर माना जाता है, इसलिए देश के प्रधान नेताओं के लिए ये बड़ी विषम परिस्थितियां लाने वाला है। लेकिन साधारण व्यक्ति के लिए शारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, आर्थिक, पारिवारिक और व्यवसायिक दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है, आइए हम आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताते हैं। आइए जानते हैं मकर राशि वालों के लिए वर्ष 2021 कैसा रहने वाला है। शारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से इस वर्ष उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। किसी भी कार्य के प्रति असंतुष्टि की अनुभूति करेंगे। वाहन धीरे चलाएं, स्वभाव में क्रोध की प्रबलता होने से यदा कदा मानसिक परेशानी तथा अधिकांशतया किम कर्तव्य विमूढ यानी कि कुछ न करने के भाव बने रहेंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण, यह वर्ष पारिवारिक सुख समृद्धि की दृष्टि से समय कुछ ठीक नहीं है। समझौतावादी दृष्टिकोण से पारिवारिक सदस्यों के मध्य संबंध सामान्य रहेंगे। परिवार में कभी कभी अशांति का वातावरण भी रहेगा। यह वर्ष माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा, किंतु पिता के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। वे मानसिक रूप से परेशान व चिंतित रहेंगे। संतान से वांछित सुख व सहयोग प्राप्त होगा। पुत्र लाभ की प्राप्ति होगी। इस वर्ष स्त्री सुख के लिए समय खराब रहेगा। पति पत्नी में वैचारिक मतभेद भी हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन इसका दुष्प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। जो जातक अविवाहित है तो विवाह होने में भी बाधा आने वाली है। व्यावसायिक दृष्टिकोण, इस वर्ष व्यापारिक एवं कार्य क्षेत्र की दृष्टि से समय अनुकूल रहेगा। परिश्रम पूर्व उन्नति के मार्ग अग्रसर रहेंगे। सांसारिक महत्व के शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों को बुद्धिमता पूर्वक समय पर पूरा कर लेंगे। व्यापारिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण उन्नति, किसी परिवर्तन की संभावना भी रहेगी। नौकरी पेशा लोगों का वांछित स्थान पर स्थानांतरण होकर पद में उन्नति भी हो सकती है। वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। काम व व्यवहार की तारीफ करेंगे। जिम्मेदारी अधिक होने के बावजूद भी अच्छी तरह से आप रहेंगे। राजनीतिक क्षेत्र के लिए समय अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। किसी पद की प्राप्ति भी हो सकती है। मंत्रीगण व उच्च अधिकारी वर्ग से संबंध स्थापित होंगे व उनसे पूर्ण सहयोग व लाभ भी अर्जित करेंगे। भाग्य बल में बहुत प्रबलता आएगी। आर्थिक दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टि से यह वर्ष सामान्य रहेगा। आवश्यक मात्रा में धन लाभ की प्राप्ति होगी। नवीन आय स्रोतों में वृद्धि होगी। अचानक किसी कार्य में धन लाभ होने की संभावना रहेगी। इस वर्ष लाभ के साथ साथ हानि भी उठानी पड़ सकती है। आय की बचत करने में आप असमर्थ रहेंगे। कर्ज भी लेना पड़ सकता है। कर्ज की अधिकता रहेगी, इसलिए सावधान रहें। विद्यार्थियों के लिए क्या लेके आया है ये वर्ष? विद्यार्थियों के लिए ये समय ठीक ठीक है। धर्म एवं धार्मिक कर्मों के प्रति मन में रुचि उत्पन्न होगी तथा विभिन्न विषयों का रुचि पूर्वक आप अध्ययन भी करेंगे। ज्ञान में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों को मन चाहा परिणाम नहीं मिलेगा। प्रतियोगिता परीक्षा में भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन मेहनत करते रहिए, एक दिन आप अवश्य सफल होंगे।
तो आप सब के लिए ये वर्ष 2021 शुभ व मंगलदायक रहे, यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना। आपने अपना वार्षिक राशिफल तो सुन लिया। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।